15 अगस्त को भारत को आजाद हुए 73 साल हो जाएंगे। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लड़ाई में कई आंदोलन हुए, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 का दिन एक नया सवेरा लेकर आया। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो 5 महत्वपूर्ण आंदोलन जिनकी वजह से भारत को आजादी मिली। 1857 की क्रांति। 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसे सामान्य तौर पर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, लेकिन उससे 51 साल पहले भी एक विद्रोह हुआ था, जिसे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की पहली लड़ाई कही जाती है। बताया जाता है कि विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा करके 200 अंग्रेज सैनिकों को मारा और घायल कर दिया था। साल 1806 में हुई इस लड़ाई की वजह से ही ड्रेस कोड थी। दरअसल अंग्रेजों की ओर से लगाए गए ड्रेस कोड की वजह से भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इस ड्रेस कोड में हिंदुओं को तिलक टीका लगाने और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे कई सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। ये बाग आज भी ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की कहानी कहता नजर आता है, जब उसने सैकड़ों लोगों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मार डाला था। 13 अप्रैल 1919 की तारीख आज भी दुनिया के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज है। ब्रिगेडियर जनरल रेजनॉल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों ने गोलियां चलाकर बूढ़ों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। इस गोलीकांड में कई लोग घायल हो गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश इतिहास का वो बदनुमा पन्ना है जो अंग्रेजों के अत्याचारों को दर्शाता है। असहयोग आंदोलन। 1920 से महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस आंदोलन की खास बात ये थी कि इसमें पूरा देश शामिल हुआ। ये ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला कर रखती थी। आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद कराने के लिए 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। एक साल के अंदर ही इस फौज ने ब्रिटिश सेना और हुकूमत दोनों को हिलाकर रख दिया। इस सेना ने देश के लोगों में मर मिट जाने का जज्बा और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष के मनोबल को चरम पर पहुंचाने का काम किया था। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में सुभाष चंद्र बोस ने अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।